नमस्कार फ्रेंड्स, ऑनलाइन टेक सब कुछ हिंदी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लाल से लिखे सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SBI CSP में माइनर अकाउंट के लिए। यहाँ पे बहुत ही अच्छी गुड न्यूज आ चुकी है, उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा, कुछ दिन पहले जो है इंस्टेंट अकाउंट ऑप्शन को इनेबल कर दिया गया है मेजर अकाउंट के लिए। और जैसा कि हम उम्मीद कर रहे थे कि जो है लिंक से इसका मेजर एंड चेकर जो भी है कंप्लीट किया जाएगा, तो फिलहाल ऐसा कुछ होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। अगर आप कोई भी अकाउंट खोल रहे हैं, चाहे आप जो है माइनर अकाउंट खोल रहे हैं या मेजर अकाउंट खोल रहे हैं, उस फॉर्म को हमें पहले के भांति जो है RBO में हमें सेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं, टॉपिक पर आते हैं माइनर अकाउंट से। जैसा कि आपको पता होगा, माइनर अकाउंट में हमें जो है जो पिछला अपडेट था उसमें क्या था कि पैन कार्ड मैंडेटरी था, यानी कि विदाउट पैन हम किसी भी माइनर अकाउंट को ओपन नहीं कर सकते थे। उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ अपडेट, अच्छी अपडेट आई है, उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे लाल से लिखे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि SBI CSP से रिलेटिव अगर कोई भी अपडेट आती है तो मैं समय समय पर इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि माइनर अकाउंट के लिए पैन कार्ड मैंडेटरी था, विदाउट पैन हम अकाउंट ओपन नहीं कर पाते थे। तो यहाँ जो है लेटेस्ट अपडेट आ चुका है माइनर अकाउंट के लिए। यहाँ पे हम विदाउट पैन जो है हम अकाउंट ओपन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इधर बीच एक दो दिन के अंदर आपने माइनर अकाउंट खोला होगा तो उसमें अगर आप जो है केवल पैन कार्ड का ऑप्शन आता था सेलेक्ट करने के लिए, वहाँ पर अब जो है फॉर्म 60 का भी ऑप्शन शो होने लगा है। यानी कि विदाउट पैन यानी फॉर्म 60 को हम सेलेक्ट करके माइनर अकाउंट का विदाउट पैन कार्ड का जो है हम अकाउंट इजिली खोल सकते हैं। उसको कस्टमर क्रिएशन से खोलने के बाद बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन ये बना हुआ है कि क्या माइनर अकाउंट का इंस्टेंट अकाउंट हम नहीं खोल पाएंगे। तो फिलहाल अभी कोई खुलते हुए नज़र नहीं आ रहा। उम्मीद है कि जो भी माइनर अकाउंट के लिए जो इंस्टेंट अकाउंट है वो अलग से जो है एक ऑप्शन ऐड होने वाला है, लेकिन अब वो अभी पोर्टल पर ऐड हुआ नहीं है। माइनर अकाउंट का ओपन करने के लिए हमें कस्टमर क्रिएशन से ओपन करना होगा जैसे पहले करते थे, और उसको जो है फॉर्म को जो है RBO में हमें सेंड करना होगा। सेंड करने के बाद वहाँ से मेकर चेकर पहले के भांति होगी और उसका जो है अकाउंट नंबर शो हो जाएगा। यहाँ पे जो अच्छी बात रही है, फॉर्म 60 का जो है ऑप्शन उसमें शो होने लगा है। विदाउट पैन भी आप किसी भी माइनर अकाउंट का 10 साल से ऊपर का आप अकाउंट इजीली ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद आपको जो है RBO सेंड करना पड़ेगा फॉर्म, तब उसका अकाउंट नंबर शो हो पाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। ये छोटा सा अपडेट आपको SBI CSP का कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे लाल से लिखे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि SBI CSP से रिगार्डिंग एंड CSE से रिगार्डिंग कोई भी छोटी से छोटी अपडेट आती है तो उसको हम इस चैनल पर समय समय पर अपलोड करते रहते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ।